फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम कुछ केमिकल रिएक्शन के कुछ और क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जैसे हमने पुराने 3 वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, राइट? सो ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ में। और आज हम स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन से, ठीक है? क्यों? क्योंकि अप टू 30th मैं पहले सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना? अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो एटलीस्ट, ठीक है? बिकॉज फर्स्ट वीडियोस में वीडियो में मैंने सारे बेसिक्स एक्सप्लेन किया है, राइट? ओके, चलो कंटिन्यू। सो आज का 31st क्वेश्चन, द रिएक्शन और द इक्वेशन कॉपर प्लस XNO3 कन्वर्ट्स इंटू CuNO3 ट्वाइस प्लस YNO2, ओके, प्लस 2H2O। द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई, वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, एक्स एंड वाई, एक्स कहाँ है ये रहा और वाई कहाँ है ये रहा, मतलब HNO3 और NO2 की वैल्यू वी नीड टू आइडेंटिफाई कितना है। तो बेसिकली करना क्या है भाई, बैलेंस करना है इक्वेशन को, राइट? अब देखो, बैलेंसिंग का एक रूल जो होता है, जो हम सबने लर्न किया है, वो क्या है? पहले हम लोगों को सारे नंबर, सारे एटम्स बैलेंस कर करके देखना है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, राइट? लेकिन बिकॉज अभी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम क्या एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आपके पास जो नंबर्स है यहाँ पर 3, 1, 8, 6, वॉट एवर नंबर आर गिवन हियर, उन्हीं को रख के देख लो इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? चलो जल्दी से ट्राई करते हैं। सो अगर इफ आई पुट 3 हियर इन HNO3 साइड, लेट्स से 3 हियर, ओके, एंड 1 हियर, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस ठीक है। एक बार चेक करते हैं, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 3, ओके, नाइट्रोजन 1, नहीं, इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हुई, बिकॉज Y1 मतलब नाइट्रोजन 1 है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अब दूसरा ट्राई करते हैं एक बार, 8 एंड 6, चलो मैं 8 यहाँ रखू और 6 यहाँ रख देती हूँ, है ना? अब देखते हैं, मेरे पास है 8 हाइड्रोजन, 8 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन राइट, तो 8 नाइट्रोजन यहाँ पर है और यहाँ 6 और 7, 8 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन एक बार चेक कर लेते हैं, एच 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 कहाँ है, यस, सो एच यहाँ पर हो गए मेरे पास 8 और यहाँ पर 4 है, बिकॉज देखो प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में आई जस्ट है 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मेरे बैलेंस नहीं हुआ है ना? तो इसीलिए इसकी वजह से क्या होगा, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लूं मैं, 8 एंड 6, सो 6 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहाँ से, ये तो बैलेंस हो गया, फाइन। 8 हाइड्रोजन और यहाँ किधर है हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन जो आया है, ओनली 4 हाइड्रोजन ना, नहीं बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है भाई हटा दो, बी ऑप्शन भी लाइन से बाहर हो गया। अब एक बार चेक करते हैं सी ऑप्शन, ठीक है? अब सी ऑप्शन में क्या है, 4 एंड 2, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देती हूँ और 2 यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? अब देखो, एच हाइड्रोजन मीन्स 4, तो हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 4, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, बैलेंस हो गया, तो फिर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी, है ना? अभी सी होना चाहिए। एक बार डी ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? वैसे तो मुझे पता है ये हो नहीं सकता 6, 7 और 1, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन, है ना? 7 और 1, तो 7 और 1। अब देखो, 7 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने हमारे पास है, 4 हाइड्रोजन, तो ये तो नहीं हो सकता, तो यहीं पर अभी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, करेक्ट? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन द गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द रिएक्शन SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O, ठीक है, एंड 3 सल्फर अकर्स, फाइन। हियर हाइड्रोजन सल्फाइड इज वॉट, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट और प्रोवाइडिंग एन इनर्ट मीडियम। अच्छा चलो देखते हैं क्या करेक्ट हो सकता है। पहली चीज, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है, तो पहले जल्दी से एक बार ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। आई होप यू ऑल हैव लाइक यू ऑल हैव लर्न ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, किया होगा प्लीज, ऐसे मुझको मत बताना कि नहीं किया है, ठीक है? नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक भी शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो से, है ना? बट यहाँ पर फिलहाल हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने पूछा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तो SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H
H2O, SO2 plus 2H2S give 2H2O plus 3S, ठीक है। तो अब 3S, देखो इन्होंने इसका पूछा है कि इसके साथ में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर सल्फर कितना है हमारा, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है -2, क्यों -2, बिकॉज हाइड्रोजन प्लस 2 है ना, हाइड्रोजन प्लस 2 है तो सल्फर -2 हो गया यहाँ पर, करेक्ट। अब देखो यहां से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हुआ, 0, मीन्स क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, करेक्ट, ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स क्या, दिस इज सर्विंग अ पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट कंपाउंड और दैट पर्टिकुलर एलिमेंट सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी फॉर दिस, ठीक है, डन, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द कन्वर्जन ऑफ K2Cr2O7 इंटू Cr2SO4 थ्राइस इज अ प्रोसेस, ठीक है, K2Cr2O7 इंटू Cr2SO4 थ्राइस। अच्छा अब भाई ऐसा मत बोला कि मैम SO4 कहाँ से आ गया है, तो दिया ही नहीं है, तो हमको क्या करना, उन्होंने कुछ दिया हो नहीं दिया हो मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कि K2Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है CrSO4 थ्राइस में, तो इसमें ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, कैसे क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं है, है ना। चलो तो अब क्या करते हैं, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है कैसे पता करेंगे, यहाँ पर तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो जो हमने लर्न किया है वो क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लाइक दैट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो स्टिल जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट वीडियो, वहां पर मैंने डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन पर आती हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है, यहाँ पर पोटेशियम इज ऑलवेज प्लस वन, पोटेशियम इज वॉट, ऑलवेज प्लस वन, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ऑक्सीजन इज -2, ऑक्सीजन इज हियर वॉट, -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2x - 14, ठीक है। तो अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा, x का वैल्यू शुड बी हियर 14 - 2 = 12 / 2 = 6 + 6, करेक्ट, दैट मींस क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर आई हैव गॉट इज व्हाट, +6, राइट। चलो सिमिलरली आई कैलकुलेट दिस साइड, ऑपोजिट साइड, क्रोमियम इज x, Cr2 एक्चुअली, सो क्रोमियम इज x, सल्फेट आयन वी हैव 3 सल्फेट आयन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x - +3 - 2, बिकॉज सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है, 2 होता है ना, SO4 2 माइनस, ऐसा हम लिखते हैं, करेक्ट। तो सल्फेट आयन पे चार्ज कितना हो गया, 2 माइनस, राइट। अब यहाँ पर मैंने 2 माइनस ले लिया, लेकिन हमारे पास 3 सल्फेट आयन है, तो दिस 2 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, होगा ना। अरे क्या बात है, मेरा इरेजर इज नॉट वर्किंग, नाउ होपफुली इट शुड वर्क। चलो तो यहाँ पर क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, +3 - -2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -10 को नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके। सो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है 2x, व्हाट आई वाज सेइंग इज -6, x इज इक्वल टू 6/2, तो कितना हो जाएगा, +3, है ना। अब यहाँ पर x की ऑक्सीडेशन, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गई है, वो हो गई +3, सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, राइट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, दिस लीड्स टू व्हाट, रिडक्शन, है ना। ऐसा कब होता है, रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो ये प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन, करेक्ट, अंडरस्टूड, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एन एलिमेंट विच नेवर हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना इजी क्वेश्चन है, आप देखो जरा इसको, एन एलिमेंट विच नेवर हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड, तो एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन क्या है, बोरॉन, बोरॉन तो उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट
उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है ना, BF3 अगर मैं बोलू कंपाउंड BF3, तो फ्लोरिन हियर फ्लोरिन नेगेटिव है तो बोरॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा है ना, इट इज -1, तो ये -1 × 3 ये हो जाएगा +3, करेक्ट। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन भी -2 + 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, करेक्ट, दैट इज पॉसिबल, राइट। क्लोरीन की बात करें अगर, तो क्लोरीन भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। हाइपोक्लोरस एसिड का आपने नाम सुना है कभी, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड HClO, इसमें क्या होता है, क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये माइनस हो गया, हाइड्रोजन +1, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अवेलेबल इन 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब बचता है क्या है, फ्लोरीन। अब एक बात को अभी नोट कर लो कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी पॉजिटिव नहीं होगा। आज तक अभी तक कोई ऐसा कंपाउंड नहीं आया है जिसमें फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ठीक है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल बिना सोचे बोरॉन की के कंपाउंड का सोचने का जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन क्लोरीन कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फ्लोरीन ऑप्शन में है ना, क्लिक करो फ्लोरीन पे, ठीक है। फ्लोरीन कैन नेवर हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमिनो एसिड फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड, ओके, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन और फैट। तो अमीनो एसिड, अब एमिनो एसिड है तो देखो एमिनो एसिड किसका मोनोमर है, एमिनो एसिड से क्या बनता है, ओके, एमिनो एसिड से क्या बनता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन, ओके, एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। तो जब अगर मेरी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट करेगी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगी, तो उसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, है ना, बिकॉज छोटे छोटे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के क्या बन गए, प्रोटीन बन गए, है ना। तो जब मैं वो एमिनो एसिड के सारे बॉन्ड्स को तोड़ दूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोटीन सेपरेट हो जाएगा एमिनो एसिड में, है ना। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद में, डिकम्पोज होने के बाद में क्या देता है, एमिनो एसिड। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, सी, प्रोटीन, है ना। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब क्या करते हैं ना, ये डाइजेस्ट होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। राइट, और ये बनाता है एमिनो एसिड। चलो ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर दो, सोचो क्या होता है, बार बार हर दिन हर वीडियो में क्वेश्चन आ जाता है, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ, इस बार तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, आपको सोचना पड़ेगा क्या होता है, सोचो। चलो एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इसके लिए, है ना, यहाँ पर ऑयल एंड रिग, या अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ऑयल रिग, ऑयल इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल नहीं, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन पे लिख देते हैं यहां पर, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बता दो, अब तो पता ही चल गया आंसर क्या है, है ना, मेरे बच्चे इतने डफर भी नहीं है कि अभी भी मुझे आंसर ना बता पाए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। डन, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर क्या आया है, 37th क्वेश्चन में वी हैव असर्शन एंड रीजन। अब असर्शन एंड रीजन, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मैम बहुत डिफिकल्ट है, सारे ही ऑप्शन करेक्ट लगते हैं, कैसे समझे कि रीजन करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो देख, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो फिर क्या होगा, तो आप श्योर रहोगे कि भाई एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट रीजन है यहाँ पर या नहीं है, या ये कहूँ कि रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो 37th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। असर्शन, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन
एंड फॉर्म कॉपर एंड वॉटर. फाइन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. हाँ, कॉपर इज लूजिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, तो एक का रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है. डेफिनेटली ये क्या है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन तो है. असर्शन तो यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है. रीजन, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्टेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. रिडक्टेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. तो पहले तो देखो रिडक्टेंट क्या है. रिडक्टेंट जो होता है ना उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट. और ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, है ना, राइट. क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का पर्पस ये होता है कि वो सामने वाले का रिडक्शन करे, खुद का रिडक्शन नहीं करना है उसको, सामने वाले का रिडक्शन करना है ना. तो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड. समझे मेरी बात, समझ में आ रही है. वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना. सिमिलरली ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद में रिड्यूस्ड होता है, सामने वाले को ऑक्सीडेशन करता है. मतलब उसके साथ में जो भी कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है उसका वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करता है, और खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है. ठीक है, सो ये भी गलत हो गया. तो रीजन तो हमारा यहाँ पर गलत है. बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का पर्पस होता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना. वो क्या करेगा, खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज करके सामने वाले को दे देगा और उसका रिडक्शन हो जाएगा, ये होता है. और इसका ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन में. तो इसके हिसाब से हमारा रीजन तो क्या हुआ, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया. तो अब मैं यहाँ पर ये बोलूं कि देखो सी ऑप्शन में क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन इज फॉल्स, है ना. देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नहीं, रीजन तो ट्रू है ही नहीं. सेकेंड, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नहीं, रीजन ट्रू है ही नहीं, है ना. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. लास्ट डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो असर्शन तो करेक्ट है ना, है ना. चलो अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करोगे, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वीडियो एक बार देखना, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 38 क्वेश्चन, असर्शन अगेन. ठीक है, असर्शन में क्या है, व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है भाई, पहले मैं एक बार इमेजिन कर लेती हूँ कि ये मेरे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4. मैंने इसमें क्या करा है, जिंक डाल दिया है. ठीक है, जिंक रॉड डाल दी है. हाँ, हो गया क्लियर. ठीक है, जिंक रॉड डिजोल्व पार्शली एंड इट्स सर्फेस इज कोटेड विथ कॉपर मेटल. ठीक है, करेक्ट हो गया. बिकॉज देखो जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ऐसी कंडीशन में जिंक क्या करेगा, जिंक विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल. तो जो कॉपर मेटल है ना वो उसकी जिंक की रॉड पे स्टिक हो जाएगी. ठीक है, तो असर्शन तो क्या है, करेक्ट है. अब रीजन जल्दी से देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन. दिस रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन. हो This reason is due to the presence of sulfate ion. Sulfate ion की presence से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर. हाँ, sulfate ion से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर. Zinc reactive है, इसीलिए ये equation बन रही है, इसलिए reaction हो रही है. ठीक है, तो reason तो गलत हो गया, एकदम 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 wrong है. मतलब जाना ही नहीं है reason पे, तो गुस्सा आ रहा है मुझे reason देख करके अभी. ठीक है, तो अब A, B, C. अगेन मैं C पर जाती हूँ. देखो, क्योंकि assertion is true but reason is false, है ना, reason गलत है. इसकी जगह पे reason क्या होना चाहिए था, reason होना चाहिए था zinc is more reactive. This is happening because zinc is more reactive than copper. अगर ऐसा होता ना तो फिर हम जाते A option पे, है ना. assertion reason both are correct and reason is correct explanation. समझ में आया, confused तो नहीं हो गए. कोई नहीं, कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से स्लो मोशन में देख लो. चलो नेक्स्ट. ओके, चलो बच्चों देखते हैं 39th क्वेश्चन. 39th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है,
assertion and reason है यहाँ पर फिर से. Assertion says that H2S react with oxygen to form sulfur and water. Fine, ठीक है. It is a redox reaction. देख लेते हैं. चलो एक मिनट reaction दिखा पहले. H2S plus O2 it forms what? Sulfur plus water. ठीक है. अब reaction को देखकर ही बता दोगे तुम लोग मुझे कि मैम ये तो redox reaction है ही, है ना? क्यों है? ये भी बता दो जल्दी से. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. दिस इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन. बाय व्हाट लॉस ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज रिमूविंग, है ना? लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट मींस फॉर ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन करेक्ट. ऑक्सीजन से क्या बन गया यहाँ पर? वाटर. दैट मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन. गेन ऑफ हाइड्रोजन मींस व्हाट? रिडक्शन. मेक सेंस टू यू? करेक्ट. राइट. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग. दिस इज माय रिडॉक्स रिएक्शन. असर्शन तो पक्का करेक्ट हो गया. रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन व्हाइल रिडक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हमारे पास करेक्ट रीजन भी आ गया उसका. करेक्ट आया कि नहीं आया? तो अब क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज माय करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ए आंसर इज, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट. ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो जल्दी से 40th क्वेश्चन देखते हैं क्या है. एक मिनट रुको. चलो assertion. Assertion है, मैं हमारे पास है SO2 एंड क्लोरिन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरिन बोथ आर ब्लीचिंग एजेंट. हाँ करेक्ट, दोनों ही ब्लीचिंग एजेंट है. बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे तो हो नहीं सकता. देखते हैं कैसे. अब सल्फर डाइऑक्साइड, यू नो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? ये ब्लीच तो करता है बट ये टेम्पररी ब्लीचिंग देता है. एंड टेम्पररी ब्लीचिंग भी कैसे देता है? ये हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड का, कलर कंपाउंड का रिडक्शन कर देता है. ओके, इसीलिए उसका टेम्पररी ब्लीचिंग हो जाता है. ठीक है, सो इट शोज ब्लीचिंग एक्शन और इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द कलर्ड कंपाउंड राइट. और बाय रिड्यूसिंग अदर कंपाउंड डन. बट अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इज ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट बट इसका ब्लीचिंग एक्शन वर्क करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे. क्यों, कैसे? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना. आप क्लोरीन क्या करता है? जब वाटर के साथ में हम यूज करते हैं क्लोरीन पाउडर, है ना, वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन मतलब दैट ऑक्सीजन का वन एटम विच इज वेरी रिएक्टिव. ओके, सो इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन. वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे कलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से कलर रिमूव कर देता है. दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट परमानेंट ऑक्सीडेशन. एंड अब ये क्यों हुआ? बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कलर कंपाउंड, है ना. तो ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन और बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस. करेक्ट. सो दैट मीन्स क्या हुआ कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना. करेक्ट. तो असर्शन तो करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर ऑप्शन सी है. देखो इसमें क्या लिखा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इट्स फॉल्स. दैट्स व्हाई माय ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. राइट, हो गया राइट. सो आज के 40 क्वेश्चंस डन, आज के 10 क्वेश्चंस डन. चलो सो टुमारो आई विल कम विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन. 41 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर बेटा, बाय बाय. दम लगा के पढ़ाई करो, बहुत सारी पढ़ाई करो और अपने अपने डाउट पोस्ट करो इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो बाय.